नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के, क्लास सेवेंथ के हैं। ये एक सिंपल वर्कशीट है, जो मेन क्वेश्चंस इसमें दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में आपके काम आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक स्क्रीन इज़ विजिबल टू एवरीवन और जो है क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, थोड़ा मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 8 times m + 3 gives 85 is written in equation form as। तो ये जो स्टेटमेंट दी है आपको 8 times m + 3 gives 85, इसको आप किस तरह से लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में? तो दोस्तों देखो जरा, 8 times m, जब भी टाइम्स आए तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 times m, उसके बाद है प्लस 3, इसमें ही प्लस 3 करना है, एंड दिस गिव्स 85, दैट इज इक्वल टू 85। समझ में आ गई मेरी बात? इसने बोला कि 8 times m में यू हैव टू ऐड 3 + 3, देन इट गिव्स 85। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन में कहाँ दे रखी है, देखो डी ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पर ये शो कर रखा है आंसर, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन आ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी इक्वेशन में किसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। दोस्तों जैसे अभी हमने देखा ऊपर इक्वेशन 8m + 3 इज इक्वल टू 85, जरा आप मुझे बताएंगे इसमें क्या चीज़ फिक्स है? 85 क्या चेंज कर सकते हो आप? कैन वी चेंज 85? कैन वी चेंज 3? नहीं कर सकते ना, बट वी कैन चेंज m, हम m को चेंज कर सकते हैं। यू कैन पुट m 0 ऑल्सो हेयर, यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। यू कैन पुट m एज 1, यू विल गेट डिफरेंट आंसर। You can put m 2, you will get different answer. It may be, अगर by the way यहाँ पर जो है मैं इसको for example यहाँ पर जो है यह होता केवल 8m + 3 not equal to 85, अगर दे रखा equal to 85 तो वैल्यू a की आएगी फिक्स m की, क्योंकि सॉल्व करने के बाद। बट अगर जो है आपको केवल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 8m + 3, तो इसमें जो है जो 3 है यू कांट चेंज 3, बट यू कैन पुट m, m की वैल्यू आप डिफरेंट पुट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट पुट करने पर आंसर्स डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने m को 0 पुट कर दिया, कितना आंसर आएगा? 8 × 0 + 3 मीन 0 + 3 दैट कम्स 3। आपने m को 1 पुट कर दिया, 8 × 1 + 3 That is 8 + 3 is 11। देखा ना आपने, आपने m को चेंज किया तो पूरे की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई? क्या 3 चेंज हुआ? ये 3 तो यहाँ भी यूज़ किया हमने, यहाँ भी यूज़ किया। दो वैल्यूज चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। जिनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं या चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे ये पूछा आपसे कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। लीना इज 2 year younger than Meena. If Meena is x year old, age of Meena. Leena 2 साल छोटी है Meena से, अगर Meena x साल की है तो Leena कितनी की होगी? अगर Meena x साल की है और Leena 2 साल छोटी है तो x माइनस 2 कर देंगे, वो एक्स की जाएगी, दैट कम्स ऑफ Leena। अगर Meena x years की है उसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, दैट कम्स एज ऑफ Leena, जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो x माइनस 2 इज द आंसर, b इज द आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया x माइनस 2 है फॉर एग्जांपल, और मुझे ये चाहिए फॉर एग्जांपल 10, तो अब x में क्या पुट करेंगे 10 आ जाए? अगर मैं x में 12 पुट कर देता हूँ, दैट 12 - 2 दैट कम्स इक्वल टू 10 और नॉट? तो व्हाट इज द 12? व्हाट इज 12? 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x इज इक्वल टू 8, अब मैं x में क्या पुट करूँ कि 8 आ जाए? इफ आई एम पुटिंग 4 इन 8 इन x, सो इट कम्स 2 × 4 दैट इज 8। तो इस इक्वेशन के लिए, गिवन इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? चलिए तो उसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8p इज इक्वल टू 40 इज, आपको सॉल्व करना है 8p इज इक्वल टू 40, कैसे होगा? तो ध्यान रखना है, अगर वो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है ना और आप साइड चेंज कर रहे हो तो वो डिवाइड में आता है। इफ एनी नंबर इज इन मल्टीप्लाई एंड यू आर चेंजिंग द साइड देन इट कम्स इन डिविजन। सो 8 मल्टीप्लाई में है पी के साथ, तो पी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40, यहाँ से जो पी की वैल्यू है वो 5 आ जाती है, पी की वैल्यू 5 आती है। एक बार और सुनिए कि अगर इफ एनी नंबर इज इन मल्टीप्लाई और यू आर चेंजिंग द साइड, आप साइड चेंज कर रहे हो तो साइड चेंज करने पर वो नंबर डिवाइड में आ जाता है, तो 8 5 40, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाती है। तो दोस्तों पी वैल्यू 5 कहाँ पे आ रही है, देखिए जरा, सी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है द स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन एन बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 8 इज। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब कि आपको, आप इसको किस स्टेटमेंट में लिखोगे? जरा ए का देखते हैं कि ए में क्या है। हमारी इक्वेशन 3 एड टू अ नंबर इज 8, कोई नंबर है उसमें आपने 3 ऐड किया और वो 8 बन जाता है, क्या मैच कर रहा है ऊपर वाले से? बी देखते हैं, द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 डिवाइड बाय 3, द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 डिवाइड बाय 3 गिव्स 8, मतलब कि एन और 8 का सम इनको डिवाइड करेंगे 3 से तो 8 आ जाएगा। नंबर और 8 का सम उसको डिवाइड किया हमने 3 से तो 8 आ जाएगा, क्या मैच कर रहा है ऊपर वाले से? नहीं कर रहा। सी 1/3 ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 3 गिव्स 8, 1/3 ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 3 गिव्स 8। तो 1/3 किसका? सम का, तो नंबर हमारा एन है उसमें हमने 3 ऐड किया, ये तो हो गया सम, इसका भी 1/3 दैट इज इक्वल टू 8, क्या मैच कर रहा है ऊपर वाले से? नहीं कर रहा। चलिए यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा साइज चेंज करना चाहता हूँ उसका, इरेज होता है यहाँ पे जो है ना, इधर 3 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आपको दे रखा है सी वाले पार्ट में, बी वाले में सम ऑफ नंबर एंड 8 डिवाइड बाय, नो करेक्ट है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे डी पार्ट, डी पार्ट कह रहा है कि जो 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू 3 गिव्स 8, 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर का 1/3 उसको हमने ऐड किया उसमें 3 में, एंड दैट इट गिव्स 8, दैट इट गिव्स 8, ठीक, क्या ये मैच कर रहा है? 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू 3 गिव्स 8, क्या ये बी पार्ट से मैच कर रहा है? कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y is equal to 7 is the solution of which equation? y is the 7 is the solution of which equation? तो खुद करके देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है आपको y plus 2 is equal to 5, अगर आप y में 7 पुट कर दो तो 7 plus 2 कितना आएगा? 9 आएगा। क्या ये इक्वल टू 5 है? नॉट इक्वल टू 5, ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, 7y is equal to 14, y को रखो 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49, क्या ये इक्वल टू 14 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला आता है, आपको दिया है y माइनस का 6 इज इक्वल टू 1, आपने रखा 7, 7 माइनस 6 तो 1 होता है ना, तो ये 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर है। जो आपका सी वाला पार्ट है उसमें आप पुट करिए y की वैल्यू 7 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1, ये आंसर है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो उसका निकालना है आपको सॉल्यूशन, तो निकालते हैं भाई। आपको दिया है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो मैंने कहा था अगर कोई चीज माइनस में है तो साइड चेंज करेंगे वो प्लस में आ जाएगी, तो 7 साइड चेंज किया प्लस का 8 आ गया,
यहाँ से 3x = 15, x = 15/3, 3 1 3, 3 5 15, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है, ठीक है, एक्स कॉम्स 5 है। एक बार और देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको,